भारत की ताजनगरी आगरा। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। आगरा दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। आगरा उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 378 किलोमीटर पश्चिम में और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के 206 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा अपने बेहद ही लोकप्रिय मीठे पकवान यानी पेड़े के लिए भी जाना जाता है। ये दिल्ली और जयपुर के साथ गोल्डन टूरिज्म ट्रायंगल का एक हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा शहर की जनसंख्या 15,85,704 है, जबकि पूरे आगरा जिले की जनसंख्या 44,18,797 है। इस जनसंख्या के साथ साथ आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। आगरा जिले की सीमाएं उत्तर में मथुरा और पूर्व में फिरोजाबाद से लगती हैं, जबकि दक्षिण आगरा जिला राजस्थान की सीमाओं से घिरा हुआ है। आगरा जिले का क्षेत्रफल 120.57 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम आगरा के नामकरण की बात करें तो इसका जिक्र हमें महाभारत काल में मिलता है। महाभारत काल में आगरा को अग्रवाण या अग्रवान के नाम से जाना जाता था। तोलमी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे आगरा नाम दिया था। चलिए अब हम आपको आगरा के इतिहास से रूबरू कराते हैं। दिल्ली की सल्तनत के उदय से पहले आगरा का इतिहास इतना स्पष्ट नहीं था। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले आगरा को सिर्फ एक पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगलों से मिली हार के बाद सिकंदर लोदी ने इस किले को अपने हाथ से गवा दिया था। उसके बाद ये किला मुगलों के अधीन चला गया। इस किले पर 17वीं सदी तक मुगलों और मराठों का शासन रहा। बाद में ये किला ब्रिटिश यानी अंग्रेजी राज में चला गया। अब हम आगरा को कुछ और नजदीक से जानने का प्रयास करते हैं। आगरा जिला 6 तहसीलों से मिलकर बना है, जिसमें 6 तहसीलें हैं आगरा, फतेहाबाद, किरावली, बाहा, खैरागढ़, एतमादपुर। आगरा मुख्य रूप से 2 लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है, जिसमें पहली है फतेहपुर सीकरी और दूसरी है आगरा लोकसभा क्षेत्र। यहाँ पे मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन स्थानीय भाषा के रूप में ब्रज भाषा भी बोली जाती है। आगरा देश दुनिया में आयरन फाउंड्री, जूता, पेठा, तेल और लकड़ी के बाजार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आगरा के आसपास के क्षेत्रों में लगभग पूरी तरह से एक समतल मैदान पड़ा है, जिसमें अत्यधिक दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र को यमुना नदी और आगरा नहर द्वारा पानी पिलाया जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं बाजरा, जौ, गेहूं और कपास। आगरा में कई धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हैं कृष्ण जन्माष्टमी, वार्षिक ताज महोत्सव, 10 दिवसीय कला, शिल्प और संगीत कार्निवाल। यह आमतौर पर फरवरी में शिल्प ग्राम में आयोजित होता है, जो ताजमहल के करीब ही एक शिल्प गाँव है। दुनिया का एकमात्र ऐसा जिला आगरा है जहाँ 3 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। यूनेस्को ने ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ पर एक हफ्ते में करीबन 50,000 तक पर्यटक पहुँचते हैं। सामान्य दिनों में यह संख्या 35,000 से ज़्यादा होती है। आगरा के प्रमुख बाजार हैं सदर बाजार, किनारी बाजार, राजा की मंडी, जैसे कई सारे बाजार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगरा के प्रमुख मेलों और उत्सवों की। ताज महोत्सव, उसके बाद में आता है बेटेश्वर मेला, जो आगरा से केवल 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेटेश्वर शहर में लगता है। इस शहर का नाम देवता बेटेश्वर महादेव के नाम पर रखा गया है। आगरा शहर में हिंदू देवताओं और देवी के 108 मंदिर हैं। आगरा में एक और मेला है जिसका नाम है कैलाश मेला। ये कैलाश मंदिर में भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
नंबर एक, ताजमहल। दुनिया के सात अजूबों में मशहूर ताजमहल की दीवानगी पर्यटकों में सबसे ज्यादा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। ताजमहल के लिए पूरे एशिया के अलग अलग जगहों से 28 तरह के पत्थर लाए गए। इसमें मुख्य तौर पर संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। नंबर दो, आगरा का किला। आपको बता दें कि ये आगरा में दुनिया के सात आश्रयों में शुमार ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल कालीन वास्तु शैली से बने इस विशाल किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इस किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। नंबर तीन, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का बुलंद दरवाजा एक विश्व धरोहर स्थल है। बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचे और 35 मीटर चौड़ा है। इसको देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। नंबर चार, जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। जामा मस्जिद आगरे के किले के बिल्कुल विपरीत में स्थित है। इसे 1648 में शाहजहां द्वारा अपनी बेटी जानगरा बेगम के लिए बनवाया गया था। नंबर पाँच, चीनी का रौजा। इसका निर्माण शाहजहां के राजदरबार के प्रधानमंत्री और अल्लामी के महान कवि मौलाना चुकरलाल सिराजी द्वारा करवाया गया था। उन्हें स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाने का शौक था, पर इसीलिए उन्होंने 1635 में चीनी का रौजा का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।